लोकसभा में मुंगेली के जिले के पथरिया में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 2 माह से 18 वादे पूरे किए, जबकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी सरकार ने अधिकतर वादे अधूरे रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नाकामी को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उनमें से अधिकतर अधूरे रह गए हैं। वहीं हमने 2 महीने के अंदर 18 वादे पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो समय समय पर अपना रूप बदलता है, जो एक पल में स्वयं को चाय वाला कहता है वहीं दूसरे पल में चौकीदार, कभी गंगा सफाई कर्मी तो कभी कुछ और। वही हमने कोई ऐसा फकीर नहीं देखा जो 10 लाख का सूट भी पहनता हो, ना ही ऐसा कोई चौकीदार जिसके नाक के नीचे से नीरव मोदी विजय माल्या लाखों करोड़ों लेकर भाग गए। ऐसा चौकीदार हमने नहीं चाहिए। वैसे भी हम किसानों को चौकीदार की जरूरत कहां पड़ती है, उनकी जरूरत अंबानी जैसे लोगों को ही होती है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यदि आप चौकीदार हैं तो पहले अपने दामाद को खोज लाओ। वहीं चिटफंड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र सांसद अभिषेक के खिलाफ लोगों द्वारा FIR की मांग किए जाने पर पूछा गया तो लाखों घोटाला हुआ है कहते हुए उन्होंने टाल दिया और कहा वैसे भी बीजेपी सरकार में एक ही वादा पूरा नहीं किया है और हमारी सरकार बनते ही हमने किसानों के कर्ज माफ कर दिए और उनके खातों में पैसा भी आ गया। हमने प्राध्यापकों एवं शिक्षकों को भी भर्ती भी किए, साथ में छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवारा आदि योजनाओं को भी लागू किया जिसके बाद गांव सुव्यवस्थित होगा। वहीं केंद्रों में हमारी सरकार के आते ही न्याय योजना लागू होगी जिसके तहत 56 लाख BPL परिवारों को 6,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा जिससे गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी। वहीं घोषणा पत्र में स्वच्छता एवं को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि सुराजी योजना में सब शामिल है, समझना पड़ेगा। इस अवसर पर जिले भर में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे जिन्हें संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत जन प्रधानमंत्री हम देखें, नेहरू जी देखें, शास्त्री जी देखें, इंदिरा जी, राजीव जी, चंद्रशेखर, देवगौड़ा बहुत जन प्रधानमंत्री देखें, लेकिन पहली चाय वाला बनी, लेकिन उनका केटली चाय कोनो ने इतिहास तक नहीं बताया कि मैं पीएम पर चाय एक आज हम पिए तो हम बताओ चाय वाला बन गए, फिर फकीर बन गए। तो इतना फकीर हम तो गांव में देखन झोला लटकाए शिकारा धरे गीत गावत भजन गात निकलते फकीर मल्ल, लेकिन 10 लाख के सूट पहनी या पहली फकीर देखें। 2,000 करोड़ रुपए विदेश यात्रा में खर्चा करी है फकीर पहली बार देखी। 4,600 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्चा करी है फकीर पहली बार देखे। झाड़ू लगाते में 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापन में सिरा गए, तो 5 सेकंड झाड़ू का पकड़ ली 3,000 करोड़ रुपए देश के सवाहा। ऐसा फकीर जेकर खाना चाहे जेकर नाश्ता चर्चा होते ऐसा फकीर भगवान बचाए। इतने को 150 जन फकीर हो जाए ना देश में तो बुतज बन जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है, नीचे करो नीचे करो। और हम सब जो जनता से वादा किया था उसमें से आधा से अधिक हमने पूरा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से प्रसन्न है और 11 के 11 लोग जो जीतेंगे। देखिए सेना के नाम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता, सेना देश का है, किसी पार्टी के नहीं है, जिसके लिए उसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी निर्देश जारी किया है और उसके लिए हमने शिकायत की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दमन के बाद अब उनके बेटे के ऊपर भी FIR की मांग की गई है। निवेशकों का आरोप है कि लगभग 1 लाख निवेशक के 400 करोड़ रुपए लेके चीट फंड जो कंपनी फरार हुई है उसको सांसद रहते हुए अभिषेक सिंह ने प्रमोट किया था। 1,000 करोड़ रुपया चीट फंड कंपनियों ने इस प्रदेश से आम जनता की जेब से निकाल के लेके गए हैं। हम चीट फंड कंपनी से पैसा लेके आम जनता जो निवेशक है उसके पैसा वापस करने का हमें वचन दिया है। अब यदि निवेशक लोग इस प्रकार से FIR कर रहे हैं उसकी जानकारी है, निश्चित रूप से उस जानकारी के आधार पर जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई। भाजपा के संकल्प पत्र में आज किसान मोर्चा द्वारा स्वच्छता सौंदर्यीकरण
करंट पर कोई बात कांग्रेस के द्वारा नहीं की जा रही है, क्या बात है? कांग्रेस मौन है? स्वच्छता तो बहुत जरूरी है और हम सब कर ही रहे हैं, उसमें क्या बात है? अगर मनियारी स्वच्छता की देखिए देखिए छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा गरवा घुरवा बारी इसको समझ लें तो स्वच्छता उसमें अपने आप है। शहरी क्षेत्र में आगर नदी और मनियारी जो मुंगेली की जान है कह लीजिए, वो प्रदूषित है, नाली से बदतर उसका रूप हो चुका है। सर भाजपा के संकल्प पत्र में फिर राम मंदिर और भारत 370 की बात की गई। अब इनके पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं, 5 साल स्पष्ट बहुमत केंद्र में रहा है, उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार रही है, मंदिर बना नहीं पाए, अब फिर वोट पाने के लिए 5 साल तक चुप रहे, अब फिर वो कर रहे हैं। 370 उसी की सरकार थी, उसी समर्थन में जम्मू कश्मीर की सरकार थी, जो चुप रहे। अब चुनाव आता है तो लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, मुख्य बात ये नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए 5 सालों में देश के लिए।